नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रेसपा के प्रदेश महासचिव अशोक यादव ने केशवपुरम स्थित प्रेसपा कार्यालय में इंडियन प्राइम न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रेसपा महासचिव अशोक यादव ने कहा कि मौजूदा हालात बीजेपी सरकार में बद से बदतर हो गई हैं, युवा बेरोजगार हो गए हैं और सरकार से अपना हक मारने और उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। और प्रेसपा महासचिव में यह भी कहा गया कि प्रेसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आगामी विधानसभा 2022 में सरकार बना रहे हैं और सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता युवाओं को नौकरी दें, बेरोजगारी दूर करना एवं जनता की समस्या को ज्यादा से ज्यादा लोगों का निदान कर एक खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाना है। जनता चुनेगी सिर्फ अपने एक वोट से। जी, इसी क्रम में हमारे साथ प्रेसपा के प्रदेश महासचिव अशोक यादव जी हैं। हम उनसे बात करेंगे चुनाव, आपको बता देंगे मार्च 5-6 महीने बचे हैं चुनाव में। हम उनसे बात करेंगे आगामी चुनाव में किस तरह से तैयारी चल रही है। प्रेसपा प्रमुख जो शिवपाल यादव जी हैं, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से तैयारी चल रही है, हम इनसे बात करेंगे। देखिए, हमारे साथ अशोक यादव जी जो कि प्रदेश महासचिव हुए प्रगति समाजवादी पार्टी के। सर, इस समय जो माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, हर पार्टी कमर कस रही है। बहुजन समाज पार्टी अपनी अपने प्रत्याशी को अपना मतलब रुझान को कमर कस रही है, सपा अपनी और कांग्रेस अपनी, प्रगति समाजवादी पार्टी किन मुद्दों में चुनाव लड़ेगी, आगामी विधानसभा को लेकर जो मुखिया है शिवपाल यादव जी है प्रेसपा के, जो वो क्या तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे, क्या रूप है? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में संगठन के विस्तार में लगी हुई है और सब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विस्तार बूथ लेवल पर हो रहा है। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक पूरे प्रदेश में 18 मंडलों में मंडली सम्मेलन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करने जा रही है। 2 अक्टूबर को पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में 403 विधानसभा पर हमारे प्रत्याशी बहुत आभारी पार्टी में एक एक सीट से कई कई लोगों के आवेदन हैं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 2022 में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव। अच्छा, एक तरफ से देखा जाए कि गठबंधन के भी कुछ संकेत मिल रहे हैं, तो ये जनता जो है जान रही है, जानना चाह रही है कि क्या सपा और प्रेसपा गठबंधन करेगी, कुछ इस तरह का कुछ अंदरूनी सैफई परिवार में चल रहा है। देखिए, ये पारिवारिक मामला है, इसमें हम लोग कुमार बोलने की आवश्यकता नहीं है और हमारे पार्टी के सारे नेता, सारे पदाधिकारियों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी को सारे अधिकार दिए गए हैं। वो जो भी निर्णय लेंगे हमारी पार्टी के सारे लोगों को। अच्छा, अगर प्रगति समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो उसका मेन मुद्दा क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा और जो जो गरीब हैं, जिनके पास राशन नहीं पहुंच पा रहा, जो कोविड में तमाम लोग भुखमरी से मरे हैं और तमाम बीमारियां रही हैं, जिनके पास अनाज नहीं है, उनके लिए किस उनकी समस्या, जनता की समस्याओं तक किस तरह से प्रेसपा पहुंचेगी, किस तरह से उनकी समस्याओं को दूर करेगी? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के चुनाव एजेंडे हैं कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो पूरे प्रदेश से प्रत्येक परिवार से, चाहे बेटा हो बेटी हो, उसको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जो और बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार सृजित कराने का काम करेंगे। तमाम रास्ते हैं उसके लिए, फंडिंग भी कराई जाएगी, उनको लोन भी दिलाने की व्यवस्था की जाएगी, छोटे छोटे उद्योग धंधे कराने का काम किया जाएगा और जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने का काम करेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा विकास का मुद्दा है, जो इस 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने शून्य कर दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इससे पहले समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और जो जो विभाग उनके पास रहे हैं, चाहे वो जरूरी विभाग डिपार्टमेंट रहा हो, चाहे राजस्व रहा हो, चाहे सिंचाई रहा हो, चाहे सहकारिता रहा हो, चाहे बिजली, जिस जो जो विभाग उनके पास रहा है, पूरे प्रदेश में अगर विकास काम करने का काम किया है तो मालूम किया है और उनको मालूम है कि प्रदेश की जनता की क्या समस्या है, उन समस्याओं पर हमारी पूरी तरह से खड़ी होगी और उनका निदान। तो ये थे प्रेसपा के प्रदेश महासचिव अशोक यादव जी, जिन्होंने साफ साफ जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बताया है कि प्रेसपा किन मुद्दों को उतरेगी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शिवपाल यादव जी वो किस तरह से काम करेगा। और इन्होंने सीधा, इनका भी सीधा साफ ये कहना है कि हमारी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनेगी और युवाओं और बेरोजगारों की पहली प्राथमिकता होगी और उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगी। मैं मुकेश कुमार, कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ